आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने फाइनेंशियल कंट्रोल 21 की जर्नी को किया तो क्या बेनिफिट रहे ओवरऑल एफसी 21 की जर्नी के अंदर? सर, एफसी 21 से जो कि डेटा हमारे सामने और जो फिगर्स हमारे सामने अब आई है ना, जो पहले कभी नहीं हुआ करती थी, वो सबसे बड़ा बेनिफिट है जो कि आई ओपनर है। जो रेशियोज आई, पहले हमें मालूम ही नहीं होता था इस रेशियो का मतलब क्या है, नाम सुना होता था ग्रेजुएशन के टाइम पे भी कुछ रेशियोज होती हैं, उसके बाद कभी ध्यान ही नहीं दिया लाला की तरह आके बैठ के दुकान पे। तो वो अब जो रेशियोज आई है ना सर, उससे पता चलने लगा है कि हाँ भी इस रेशियो का मीनिंग क्या है, कि हमारी परफॉर्मेंस क्या चल रही है। अब आज ये सिचुएशन है कि मैं पिछले 4 महीने का अपना नफा नुकसान निकाल के बैठा हूँ, जबकि मेरे को पिछले 20 साल का नफा नुकसान नहीं पता, मेरे को 20 साल हो गए हैं बिजनेस में आए हुए। राइट, मैंने ईयर ऑन ईयर बेसिस कभी नफा नुकसान नहीं गिना था कि भाई कितना मैं गुमा रहा हूँ, कितना कुछ बचा भी रहा हूँ। बट अभी आज ये पोजीशन है कि एग्जैक्ट रुपए की वैल्यू मेरे सामने है कि भाई इतने रुपए हमने कहाँ कहाँ एक्सपेंड किए हैं, कौन सा कैपिटल एक्सपेंसेस थे, कौन से हमारे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस थे, कहाँ कहाँ पे हमने क्या क्या खर्चा, क्या क्या कमाया, एक एक चीज हमारे सामने है। राइट, प्रोवाइडेड कि हम ईमानदारी से उसमें इन्वेंट्री डालें। करेक्ट। अगर मैं इन्वेंटरी नहीं डालूंगा तो फिर सारा खेल झोल है। करेक्ट 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 राइट। तो इन्वेंटरी डालनी शुरू करी है सर, प्रोवाइडेड एक एक मीटर की, एक एक पैसे की डालनी शुरू करी है और सामने सारे की सारी फिगर्स मेरे सामने है। राइट, गॉट इट। तो यही सबसे बड़ा गेन है कि जब अपने को पता होता है कि हमने क्या प्रॉफिट और क्या लॉस किया है, तो फिर सारी चीजें ट्रिगर होती है वहीं से। राइट, सारी रेशियोज का मतलब अपने को जरूरत नहीं रहेगी अगर प्रॉफिट सब में अच्छे चल रहे हैं, सारी चीजें वहीं से स्टार्ट हो रही है सर। बेसिक पॉइंट वही है कि मेरे को मेरा प्रॉफिट या लॉस पता होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिजनेस इज ए नंबर गेम और नंबर एकदम क्लियर कट सामने निकल के आपके सामने आने शुरू हो गए। यस सर।